हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज का ये जो नेक्स्ट वीक शुरू हो गया है, आज है ना मुझे जाना है अंशिका के लिए। एक्चुअली मेरे भाई की शादी है, तो हमें ना शॉपिंग के लिए जाना है। और जो मेरा कैमरा है ना, उसके आगे का ख़राब हो गया, तो मुझे कैमरा रिपेयर के लिए भी जाना था। तो वहाँ पे हमको एक बहुत अच्छा सा लहंगा पसंद आया अंशिका के लिए, तो वो तो हमने ना दे दिया है स्टिचिंग के लिए। तो जब वो बन जाएगा ना, तो मैं आपको उसका दिखाती हूँ। फिर हम बाहर गए तो हमने मोमोज भी लिए हैं, पर मैं तो मोमोज नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ एक ही मोमोज ट्राई करूंगी। तो चलिए दोस्तों, ये वाला वीक भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले दिन की शुरुआत हम गर्म पानी से करेंगे। आजकल मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक ही तरह का पानी पानी पी पी के थोड़ा बोर हो गई। तो आप चाहे तो इसमें एप्पल साइड विनेगर भी डाल सकते हैं, जीरा पानी पी सकते हैं, या अजवाइन का पानी पी सकते हैं। ये सब पानी हेल्दी होते हैं। उसके बाद दोस्तों, आज मैंने खाया चीकू। पता नहीं चीकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे आज तक नहीं पता चला। अगर जिसको भी पता है चीकू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दो। तो आज हमने खाया चीकू। उसके बाद दोस्तों, ब्रेकफास्ट में आ गए हैं। ब्रेकफास्ट हम मैंने 8 से 8:30 के बीच में कर लिया था। ब्रेकफास्ट में मैंने लिए हैं ब्रेड, तो ये 3 स्मॉल साइज ऑफ ब्रेड्स हैं। उसके साथ मैंने लिया एक आमलेट जिसमें खूब सारी वेजीज हैं, और ये है मेरी चाय का ग्लास जिसमें थोड़ी कम चीनी है। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, आपको लग रहा है ये ग्लास में मैं पी रही हूँ क्योंकि मेरे सारे कप फूट चुके हैं, तभी मेरे पास यही ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज था मकर संक्रांति का दिन, तो घर के लिए मेरे को स्वीट्स भी लेके जानी थी, तो ये मैंने ली है घर के लिए। ये गुड़ से बनी रहती है और घर में सभी को बहुत पसंद है, तो ये एक पैकेट ले लिया मैंने। मैंने सोचा कि चलो अच्छा वाला पैकेट लेते, तो ये लिया है। उसके साथ मैंने गच्चक ली है। गच्चक मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो बड़ी वाली गच्चक ली है। अब मैंने ली है रेवड़ी। तो दोस्तों, यहाँ पे चीनी वाली रेवड़ी भी थी, गुड़ वाली रेवड़ी भी थी, तो मैंने गुड़ वाली रेवड़ी 1 kg का पैकेट लिया है, और चीनी वाली भी ली है, वो 1/2 kg का लिया है। वैसे तो चीनी वाली हमारे घर में कोई भी नहीं खाता है, पर फिर भी अगर किसी का खाने का मन हो तो। हम लोग ना बाहर निकले थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम मोमोज लें, और ये वाले मोमोज अंशिका के बहुत फेवरेट है, उसे तंदूरी मोमोज बहुत पसंद है। ये वाले भैया बहुत अच्छा बनाते हैं। मैंने इनसे एक बार पूछा था, तो ये क्या करते हैं, कर्ड में बहुत सारे मसाले, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं, तंदूरी मसाला भी उसमें ऐड करते हैं, थोड़ा सा उसमें रेड फ्रूट कलर ऐड करते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा डालते हैं, और उसे इस तरीके से कोट कर लेते हैं, और ये नॉर्मल मोमोज हैं जो वेजी वेज वाले मोमोज होते हैं वो, और फिर इसे गरम गरम तेल में फ्राई करते हैं। जिनका तेल होता है ना, उसका टेम्परेचर पहले लो होता है, फिर ये हाई में बढ़ा के उसे अच्छे से क्रिस्पी कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मोमोज बन चुके हैं, एकदम बाहर से क्रिस्पी हो जाते हैं। उसके बाद भैया क्या करते हैं, इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल करते हैं। हमने सोचा कि हम घर में खाएंगे क्योंकि मम्मी भी खाती है, इसलिए मैंने इसे पैक करवा लिया है। और मैं सोच रही हूँ, देख के मुझे भी ऐसा लगा कि एक बार मैं घर में ये रेसिपी ट्राई करूँगी, क्योंकि आज मैंने भैया से अच्छे से पूछा आप ये कैसे बनाते हो, तो जल्दी बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, मैंने पैक करवा लिया है, और मैंने थोड़े से वेज मोमोज लिए हैं, और ये तंदूरी मोमोज लिए हैं, रेड चटनी है, और ये मेयोनीज है। तो ये दो दो मोमोज मैंने अपने लिए निकाले। ये उधर का बहुत ही फेमस तंदूरी मोमोज होता है, अंशिका को बहुत पसंद है, जितनी बारी भी जाएगी ना ये वाला ज़रूर लेगी। और ये नॉर्मल वेज वाला है। पता है मोमोज हम भी घर में बनाते हैं, पर मेरे को मोमोज बनाने में इतना आलस आता है ना, मैं बता नहीं सकती। हमें फास्ट फूड में मोमोज सबसे ज्यादा पसंद है घर में सभी को। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं वॉक पे, और मैंने ये सोचा है कि अब से मैं रोज 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करूंगी। तो कोशिश तो ये थी कि सुबह आऊं, पर अभी शाम को आई हूँ वॉक के लिए, और जस्ट नहा के निकली हूँ, और फटाफट से हम वॉक करेंगे, फिर हम जाएंगे घर पे।
तो आज मकर संक्रांति का दिन था, पहले ही 2 मोमोज खा लिए, तो अभी मैंने सिर्फ नॉर्मल ये मूंगफली खाई है, खूब सारी आई हुई घर में, तो आजकल इवनिंग में यही खाती हूँ मैं। अब हम आ गए हैं डिनर में, तो डिनर मैंने आफ्टरनून में बना लिया था, 4-5 बज गए थे, तो मैंने सोचा था रात को ही खाऊंगी, 8-8:30 के बीच में मैंने डिनर खा लिया था। तो डिनर में आज मैंने बनाई थी चावल और उड़द दाल की खिचड़ी, इसे मैंने घी से बनाया था, बहुत ही हेल्दी होती है, और अगर आप थोड़ा सा पोषण इसका लेते हैं तो ये हेल्दी ही रहती है, तो आप एक बार ये ज़रूर बनाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि मकर संक्रांति थी इसलिए मैंने पकौड़े भी खाए हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, पकौड़े मैंने मूंग दाल के बनाए थे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार ही चेक कर लेना। 2 से 3 ही पकौड़े खाए थे और इसे मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया था, तो सारी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, बहुत ही अच्छी बनी थी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये मकर संक्रांति का जो त्यौहार था आपके यहाँ बहुत अच्छा रहा, मेरा भी बहुत अच्छा लगा। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक बार लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दिए गए बेल आइकन को एक बार ही ज़रूर प्रेस करना, ताकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो आपके साथ ला सकूँ। बाय दोस्तों, वापस मिलूंगी एक और अमेजिंग वीक के साथ।